Dear students, hope you are well and doing great. The video on the topic which I am going to explain contain instructive and educational content that is both shareable and easy to retain. So let's start. The topic is ecology, individual and population. First of all, हम इसकी outline देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या discuss करेंगे. देर आर थ्री टॉपिक्स जो हम इसमें डिस्कस करेंगे. एनिमल एंड देयर एबायोटिक इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ इकोलॉजी. इकोलॉजी क्या है? द इंट्रैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी. एक ऑर्गेनिजम्स की अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंट्रैक्शंस होती हैं उसे हम इकोलॉजी कहते हैं. जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि हैबिटेट क्या है. द इन्वायरमेंट इन विच एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. यानी वो इन्वायरमेंट जिसमें एक एनिमल जो है वो रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है. हैबिटेट जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक्वेटिक हैबिटेट, ग्रासलैंड हैबिटेट एंड डेजर्ट हैबिटेट वगैरह. फैक्टर्स ऑफ हैबिटेट. द हैबिटेट ऑफ एनिमल इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स. एक एनिमल का जो हैबिटेट है उसमें टू टाइप्स ऑफ फैक्टर जो है वो इंक्लूडेड करते हैं, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक फैक्टर्स आर लिविंग फैक्टर्स जबकि एबायोटिक आर नॉन लिविंग फैक्टर्स. बायोटिक फैक्टर्स में हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरिया वगैरह आते हैं. दूसरी तरफ अगर हम एबायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास टेम्परेचर, सनलाइट, सोइल, एयर, क्लाइमेट और वाटर वगैरह आ जाते हैं जो कि सब डिफरेंट रोल प्ले करते हैं इन्वायरमेंट में. नेक्स्ट हम अपने मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, एनिमल एंड देयर एबायोटिक इन्वायरमेंट. नाउ वी डिस्कस सम मेजर एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट एज एनर्जी, टेम्परेचर, एनिमल इन एक्टिविटी, लाइट, जियोलॉजी एंड सोइल. अब हम कुछ ये बायोटिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एनर्जी, टेम्परेचर, एनिमल इनएक्टिविटी, लाइट और जियोलॉजी एंड सोइल है. एनर्जी. एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. ऑल द एनिमल्स रिक्वायर्ड एनर्जी टू सपोर्ट प्रोसेसेस ऑफ लाइफ. एनर्जी जो है वो किसी भी काम को करने की एबिलिटी है और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, सबको एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है टू सपोर्ट प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ में होने वाले प्रोसेसेस को सपोर्ट करने के लिए. अगर हम देखें एक ह्यूमन बॉडी को तो उसके अंदर भी बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. जितनी भी रिएक्शंस हैं सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी जो है वो हर एनिमल को चाहिए होती है ताकि वो प्रोसेस को सपोर्ट कर सके अपनी लाइफ के. फॉर एग्ज़ाम्पल रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डाइजेशन वगैरह. नेक्स्ट आ जाते हैं एनर्जी बजट. द काउंटिंग ऑफ एन एनिमल टोटल एनर्जी इन टेक एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ डैट एनर्जी इज़ यूज एंड लॉस्ड इज कॉल्ड एनर्जी बजट. यानी कि एक एनिमल जो है वो कितनी एनर्जी इन टेक कर रहा है एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ डैट एनर्जी इज़ यूज और किस तरह उस एनर्जी को यूज़ कर रहा है एंड लॉस्ड और कितनी एनर्जी वो उसमें से लॉस्ड कर रहा है, इस सारे प्रोसेस की अकाउंटिंग को हम कहते हैं एनर्जी बजट. नंबर टू इज़ द टेम्परेचर. एनिमल एक्सपेंड्स इट्स एनर्जी इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर बिकॉज टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिक रेट एंड ओवरऑल एक्टिविटी. एनिमल्स जो होते हैं अपनी ज़्यादातर एनर्जी को एक्सपेंड करते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए क्योंकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्फ्लुएंस करता है उनके मेटाबॉलिक रेट पर और उनकी ओवरऑल एक्टिविटीज़ पर. अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म. एंडोथर्म एनिमल्स डैट यूजेस इंटरनल हीट सोर्सेज फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. यानी ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी की इंटरनल हीट सोर्सेज को यूज़ करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए उसे हम कहते हैं एंडोथर्म. एंडोथर्म में हमारे पास प्लांट्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, रेप्टाइल्स वगैरह आ जाते हैं. अगर हम एक्टोथर्म्स की बात करते हैं, द एनिमल्स डैट यूजेस एक्सटर्नल हीट सोर्सेज फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड एक्टोथर्म्स. यानी कि वो एनिमल्स जो कि एक्सटर्नल हीट सोर्सेज जो हैं यूज़ करते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए उन्हें हम एक्टोथर्म कहते हैं. फॉर एग्जांपल फ्रॉग, स्नेक, लिजर्ट वगैरह. नंबर थ्री इज़ द एनिमल इनएक्टिविटी. व्हेन फूड बिकम्स स्केयर्स और एनिमल्स आर नॉट फीडिंग फॉर दिस रीजन्स दे आर सब्जेक्ट टू स्टारवेशन.
कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में फ़ूड अवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है और एनिमल्स जो होते हैं वो फीडिंग प्रोसेस नहीं कर पाते, जिसमें वो एक ऐसी कंडीशन में चले जाते हैं जिसे हम कहते हैं स्टारवेशन। अंडर दिस कंडीशन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ डिक्रीजेस लाइक एस। इस कंडीशन में क्या होता है कि उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है, उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ अ टॉरपोर। इट इज़ अ स्टेज इन विच मेटाबॉलिज्म डिक्रीज एंड लोअर बॉडी टेम्परेचर इन डेली एक्टिविटी साइकिल। टॉरपोर एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्टेज है जिसमें मेटाबॉलिज्म जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है और बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो जाता है इन डेली एक्टिविटी साइकिल, यानी कि डेली एक्टिविटी साइकिल में, फॉर एग्ज़ाम्पल होमिंग बर्ड्स और बैट्स वगैरह में। नंबर टू इज़ अ हाइबरनेशन। इट इज़ अ टाइम ऑफ डिक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड लोअर बॉडी टेम्परेचर डेट में लास्ट फॉर वीक्स और मंथ। यानी एक हाइबरनेशन एक ऐसी स्टेज होती है, एक ऐसा टाइम होता है जिसमें मेटाबॉलिज्म भी डिक्रीज़ कर जाता है और बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो जाता है डेट में लास्ट फॉर वीक्स और मंथ, और वो वीक्स के लिए भी हो सकता है और मंथ के लिए भी। इसमें हमारे पास रोडेंट्स, श्रूज और बैट्स वगैरह की एग्जाम्पल आ जाती है। रोडेंट्स को आप इमेज में भी देख सकती हैं कि जब वो हाइबरनेशन की कंडीशन में होते हैं तो वो किस तरह होते हैं। नंबर थ्री एस्टिवेशन। एस्टिवेशन इज़ अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी इन सम एनिमल्स डैट मस्ट विदस्टैंड एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ड्राइंग। एस्टिवेशन एक ऐसा पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी है जिसमें एनिमल्स जो हैं वो स्टैंड करते हैं एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ड्राइंग और ब्योरस वगैरह में एंटर हो जाते हैं व्हेन एनवायरनमेंट बिगेन टू ड्राई। यानी कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जब इनका एनवायरनमेंट जो है वो ड्राई होने लगता है तो ये ब्योरस वगैरह में एंटर हो जाते हैं। इसमें हमारे पास ऑस्ट्रेलियन फ्रॉग्स आ जाती हैं और चकवाला वगैरह इसकी एग्जांपल आ जाती है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम एक इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे थे। नाउ वी मूव टू आवर सेकंड टॉपिक पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज डैट लिव इन सेम एरिया एंड सेम टाइम। पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स का एक ऐसा ग्रुप है जो कि एक ही वक्त में एक ही एरिया में रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्वेटिक पॉपुलेशन, प्लांट्स पॉपुलेशन, एनिमल पॉपुलेशन वगैरह। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूड पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन ग्रोथ, सर्वाइवरशिप कर्व, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक पॉपुलेशन। फर्स्ट वन इज़ द पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं वो इसका पॉपुलेशन साइज कहलाता है। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय एन और इसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं एन से। फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज के टोटल फोर फैक्टर्स होते हैं, नटेलिटी यानी बर्थ रेट, मोर्टेलिटी डेथ रेट, इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन। इमाइग्रेशन यानी कि डिफरेंट कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो पॉपुलेशन एरिया से मूव आउट कर रहे हैं और कितने जो हैं वो उसमें कम आ रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ। द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का एक पॉपुलेशन में इंक्रीज़ करना उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। एनिमल पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ बर्थ, डेथ और डिस्पर्सल। एनिमल की जो पॉपुलेशन होती है वो कंटिन्यूसली जो है चेंज ओवर होती रहती है एज अ टाइम, यानी बर्थ रेट और डिस्पर्सल वगैरह की कंडीशन में। नेक्स्ट हमारे पास है सर्वाइवरशिप कर्व। सर्वाइवरशिप कर्व आर अ प्लॉट ऑफ नंबर ऑफ सर्वाइवर्स वर्सेस एज। इसमें हम एक ऐसा ग्राफ प्लॉट करते हैं जो कि नंबर ऑफ सर्वाइवर्स के दरमियान होता है और उनकी एज के दरमियान। देर आर थ्री काइंड ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व, इंडिविजुअल इन टाइप वन, इंडिविजुअल इन टाइप टू एंड इंडिविजुअल इन टाइप थ्री। नाउ वी डिस्कस सर्वाइवरशिप कर्व। यू कैन सी टाइप वन लो डेथ रेट, मैनी इंडिविजुअल्स लिव टू ओल्ड एज। यानी टाइप वन में क्या होता है कि डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है और ज़्यादातर इंडिविजुअल्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं ओल्ड एज की तरफ। यानी अगर हम स्टार्टिंग पे देखें तो डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, लेकिन फिर आस्ता आस्ता वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपनी ओल्ड एज की तरफ मूव कर रहे हैं। टाइप टू मॉडरेट डेथ रेट, इंडिविजुअल्स डाई एट ऑल एजेस। यानी कि डेथ रेट जो है वो मॉडरेट है, इंडिविजुअल्स जो है वो किसी भी एज पर जो है वो डाई कर सकते हैं। टाइप थ्री हाई डेथ रेट, मैनी इंडिविजुअल्स डाई यंग एंड फ्यू लिव टू ओल्ड एज। टाइप थ्री में क्या है कि डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, इंडिविजुअल्स जो हैं वो के
वो किसी भी रेट पे जो है उनकी डेथ हो रही है, या तो वो अपनी यंग एज में भी उनकी डेथ हो रही है, और कुछ है तो ऐसे हैं जो कि ओल्ड एज में हैं और उनकी डेथ हो रही है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज़ द इंक्रीजिंग बाई एडिंग अ कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टू द पॉपुलेशन इन एवरी जनरेशन। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे होते हैं इन एवरी जनरेशन, यानी हर जनरेशन में जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक फ्रूट फ्लाई की बात करते हैं तो वो 50 एग जो है वो ले करता है, उन 50 एग्स जो वो जो 50 एग्स हैं वो अडल्ट में डेवलप कर जाते हैं इनटू 14 डेज, यानी जब वो एग ले करते हैं तो वो एग जो है वो अडल्ट में डेवलप हो जाते हैं आफ्टर 14 डेज, और इन 50 एग्स में से 25 जो हैं वो मेल होते हैं और 25 जो हैं वो फीमेल होती हैं। वही 25 फीमेल जो हैं वो दोबारा से 50 एग ले करती हैं, और वही दोबारा से 25 मेल और 25 फीमेल प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि कंटिन्यूसली जो है वो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स जो है वो इंक्रीज़ करते रहते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अगर हम ग्राफ में भी देखें तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ कर रहा है पॉपुलेशन साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोज और स्टॉप ड्यू टू डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है या स्टॉप हो जाती है ड्यू टू डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी डिक्रीज़ होने की वजह से। हर इन्वायरमेंट की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है कि अगर हम कैरिंग कैपेसिटी को रिफाइन करें, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट एन इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट, यानी एक लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि इन्वायरमेंट जो है सपोर्ट कर सकता है उसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। यानी लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है कि हर पॉपुलेशन की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, वो उतने ही नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकती है, उसके बाद रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी जो है वो स्टॉप हो जाता है और स्लो हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस। मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज़ कैन अफेक्ट ऑल करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन। इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस इंक्लूड हर्बीवोरी प्रीडेशन, सिम्बायोसिस, पैरासाइटिज्म, कॉमन सेलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। अब हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज़ द हर्बीवोरी। हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स बाय क्रॉपिंग प्लांट्स पोर्शन बट नॉट किल द प्लांट्स। हर्बीवोर्स होते हैं एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि फीड करते हैं प्लांट्स पे बाय क्रॉपिंग प्लांट पोर्शन, प्लांट्स के पोर्शन को क्रॉप करके, बट नॉट किल द प्लांट्स, लेकिन ये प्लांट्स को किल नहीं करते। इसकी एग्जांपल में हमारे पास जैसे हम देखें ग्रेजर्स, कैटल, डियर, रैबिट्स, सीड ईटिंग, नेक्टर ईटिंग, पोलन ईटिंग वगैरह एनिमल्स आ जाते हैं। नंबर टू इज़ द प्रीडेशन। प्रीडेटर्स आर एनिमल्स दैट फीड बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर ऑर्गेनिजम्स। प्रीडेटर्स एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि फीड करते हैं बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरी ऑर्गेनिजम्स को किल करके या ईट करके, मसलन लाइन, ज़ेब्रा, बियर, फिश वगैरह जो कि दूसरी ऑर्गेनिजम्स पे अटैक करते हैं और उन्हें किल कर देते हैं और बदले में अपना फूड जो है वो उनसे गेन कर लेते हैं। नंबर थ्री इज़ द सिम्बायोसिस। इट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन हार्म एंड द अदर गेट बेनिफिट। यानी कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म, दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, इन विच वन हार्म, जिसमें एक को नुकसान होता है एंड द अदर गेट बेनिफिट, और दूसरे को फ़ायदा होता है। यानी एक ऐसी एसोसिएशन जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान, इसे हम बोलेंगे सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस की थ्री टाइप्स हैं, पैरासाइटिज्म, कॉमन सेलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। नंबर वन इज़ अ पैरासाइटिज्म। इट इज़ अ कॉमन फॉर्म ऑफ सिम्बायोसिस इन विच वन ऑर्गेनिज्म लिव्स इन और ऑन अ सेकेंड ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड होस्ट। यानी कि एक ऐसी फॉर्म है सिम्बायोसिस की इन विच वन ऑर्गेनिजम्स लिव, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, जिसे हम कहते हैं होस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस पैरासाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्टो पैरासाइट एंड एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट्स आर दोज विच लिव आउटसाइड द बॉडी। इसमें हमारे पास लाइस वगैरह की एग्जाम्पल आ जाती है। दूसरी तरफ एंडो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट्स आर दोज विच लिव इनसाइड द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, और इसमें नेमाटोड वगैरह आ जाते हैं। कॉमन सेलिज्म, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच वन एनिमल गेट बेनिफिट एंड द सेकेंड इज़ नेदर हेल्प नोर हार्म।
यानी कि ये भी एक सिम्बायोटिक फॉर्म है जिसमें एक एनिमल जो है उसे फ़ायदा होता है एंड द सेकंड इज़ नेदर हेल्प नोर हार्म, और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है उसे ना तो फ़ायदा हो रहा है और ना ही नुकसान। मसलन अ शार्क एंड अ रीमोरा, द रीमोरा बेनिफिट्स बिकॉज इट गेट्स पीसीज ऑफ लेफ्ट ओवर फूड एंड द शार्क इज़ अनअफेक्टेड, यानी कि रीमोरा जो है वो पीसी लेफ्ट ओवर फूड के पीसीज जो है वो गेट्स कर लेती हैं, जबकि दूसरी तरफ शार्क जो है उसे वो अनअफेक्टेड रहती है, उसे कोई भी असर नहीं पड़ता। म्यूचुअलिज्म, इट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच बोथ मेम्बर्स गेट बेनिफिट्स, ये एक ऐसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा होता है। मसलन क्लाउन फिश एंड सी एनिमल, क्लाउन फिश एंड सी एनिमल्स लिव टुगेदर इन क्लोज एसोसिएशन, यानी कि क्लाउन फिश और सी एनिमल एक क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, जिसमें क्या होता है कि द एनिमल प्रोटेक्ट द क्लाउन फिश, सी एनिमल क्या करती है क्लाउन फिश को प्रोटेक्ट करती है, विच इन टर्न प्रोवाइड सम फूड टू द सी एनिमल्स, जबकि जो क्लाउन फिशेज हैं वो बदले में उन्हें फूड प्रोवाइड करती हैं। इंटर स्पेसिफिक अडेप्टेशंस, इंटर स्पेसिफिक इंट्रेक्शंस हैव शेप्ड मैनी अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल कैमोफ्लैज। अगर हम इंटर स्पेसिफिक अडेप्टेशंस की बात करें तो इसमें हमारे पास कैमोफ्लैज, क्रिप्टिक कलरेशन, काउंटर शेडिंग, पोस्टमेटिक कलरेशन और मिमिक्री वगैरह आ जाती है। कैमोफ्लैज जो है इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, क्रिप्टिक कलरेशन एंड काउंटर शेडिंग। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। कैमोफ्लैज अकर्स व्हेन एन एनिमल कलर पैटर्न्स हेल्प हाइड द एनिमल, यानी कैमोफ्लैज कब होता है कि जब एनिमल्स जो है वो अपने कलर पैटर्न्स को है वो चेंज कर लेता है, जो कि उसे हेल्प करते हैं हाइड द एनिमल्स, दूसरे एनिमल से हाइड करने में या प्रेडेटर्स वगैरह से खुद को बचाने में। इसमें हमारे पास फ्रॉग की एग्जाम्पल आ जाती है, टोड, वुल्फ वगैरह की एग्जाम्पल आ जाती है। क्रिप्टिक कलरेशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ कैमोफ्लैज डेट अकर्स व्हेन एन एनिमल टेक्स ऑन कलर पैटर्न इन इट्स एनवायरनमेंट डेट ब्लेंड विद द सराउंडिंग, यानी ये भी कैमोफ्लैज की एक टाइप है, जिसमें क्या होता है कि एनिमल जो है वो ऐसे कलर पैटर्न लेकर आते हैं जो कि उसके इन्वायरमेंट के साथ ब्लेंड कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिक हेयर्स रिक्वायर वाइट कोट डेट ब्लेंड विद द स्नो, विंटर्स में आर्टिक हेयर्स को वाइट कोट चाहिए होता है जो कि स्नो वगैरह के साथ ब्लेंड कर जाए, बट इन स्प्रिंग, लेकिन अगर हम स्प्रिंग सीजन की बात करें, दे रिक्वायर ब्राउन कोट, तो उन्हें ब्राउन कोट चाहिए होता है डेट ब्लेंड बियर ग्राउंड, जो कि बियर ग्राउंड के साथ ब्लेंड कर जाए और वो अपने आप को प्रेडेटर्स वगैरह से हाइड कर लें। काउंटर शेडिंग इज़ अ काइंड ऑफ कैमोफ्लैज डेट कॉमन इन फ्रॉग एंड टोड्स, काउंटर शेडिंग भी कैमोफ्लैज की ही एक टाइप है जो कि कॉमन होती है फ्रॉग और टोड वगैरह में। द एग आर डार्कली पिगमेंटेड ऑन टॉप एंड लाइटली पिगमेंटेड ऑन द बॉटम, इसमें क्या होता है कि एग्स जो होते हैं वो डार्कली पिगमेंटेड होते हैं ऑन टॉप साइड पे, अगर हम इनको देखें तो डार्कली पिगमेंटेड होते हैं एंड लाइटली पिगमेंटेड ऑन द बॉटम, और बॉटम साइड से वो लाइटली पिगमेंटेड होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर कलर के साथ ब्लेंड कर जाते हैं। मिमिक्री इज़ व्हेन अ स्पीशीज रिजेंबल वन एंड मोर देन वन अदर स्पीशीज एंड गेन प्रोटेक्शन बाय रिजेंबलेंस, मिमिक्री में क्या होता है कि व्हेन अ स्पीशीज रिजेंबल वन, की एक स्पीशीज जो है वो किसी दूसरी स्पीशीज से रिजेंबल करे, जिसकी वजह से वो अपने आप को दूसरे प्रीडेटर्स वगैरह से बचा ले एंड प्रोटेक्शन जो है उसे गेन कर लें बाय द रिजेंबलेंस, यानी मिमिक्री में क्या होता है व्हेन अ स्पीशीज रिजेंबल वन और मोर देन वन, जब एक स्पीशीज जो है एक या एक से ज़्यादा दूसरी स्पीशीज़ के साथ रिजेंबलेंस रखती है, और इसके नतीजे में वो प्रोटेक्शन गेन कर लेती है और अपने आप को प्रेडेटर्स वगैरह से बचा लेती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।